वहीं कांग्रेस में जारी सियासी बयानबाजी पर अब यहां पर शब्द विराम लग जाएंगे, इसका इशारा खुद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया है। बता दें, एक दिवस से चोमू दौरे पर पहुंचे खाचरियावास ने कहा कि महेश जोशी और मेरे बीच सुलह हो गई है। महेश जोशी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और अब हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। मैंने मेरे शब्द वापस ले लिए हैं, ये हमारे घर का मामला है और मैं महेश जोशी दोनों अब एक हो गए हैं। गौरतलब है कि 4 नवम्बर को ही महेश जोशी ने खाचरियावास पर निशाना साधा था। महेश जोशी की माखिया दावड़ तो माको घर को मामलो है, बात तो खत्म भी होगी। वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई, उम्र में भी मेरे से काफी बड़े हैं, तो वो तो हमारे परिवार के रिश्ते हैं, हम तो निपट लेंगे। लेकिन बीजेपी वालों का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को जगह नहीं देंगे। अच्छा हुआ बीजेपी ने सावधान कर दिया, इसलिए कल मैं और महेश जोशी वापस एक हो गए, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो चलता रहता है, ये तो घर की बातें हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान प्रवेश की तैयारियों को लेकर आज राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, रामलाल जाट और राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार एवं बता दें कि IECC से सुशांत मिश्रा ने रामपुर, झालरापाटन एवं झालावाड़ में पदयात्रा के मार्गों का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व नगर परिषद सभापति मनीष शुक्ला समेत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। राजस्थान का प्रवेश द्वार है और इससे जो रेस्पॉन्स मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी 4 साल के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं जन कल्याण की हो और चाहे किसी भी रूप में जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 साल में जो सरकार चली है उसने बेहतरीन काम किए हैं। राहुल जी को बहुत बेहतरीन रूप से हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। राजस्थान की तो आप जानती हो हमारी परंपरा है कि हमारे मेहमान को मेहमान नवाजी किस ढंग से करते हैं। हमारे पर्यटन विभाग का नारा भी है, पधारो हमारे देश।